हेलो एवरीवन दिस इज सुमन मेहता यू आर एस टीचर डियर स्टूडेंट्स एज यू नो दैट वी आर रीडिंग चैप्टर सेवन आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन दिस चैप्टर वी हैव रीच अप टू द टॉपिक डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स एक लोकतंत्र नागरिकों के सम्मान और उसकी आज़ादी को कैसे मेंटेन करता है किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाने में मददगार साबित होता है इस कंटेंट में हम ये सब पढ़ने वाले हैं और साइड बाई साइड डिक्टेटरशिप में इन सभी एस्पेक्ट्स को कैसे कवर किया जाता है या कितने हद तक लोगों को फ्रीडम होती है और उनकी डिग्निटी का ध्यान रखा जाता है ये भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल डेमोक्रेसी इस बात में भी सबसे अच्छी मानी जाती है किसी भी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कि ये लोगों के या जनता के सम्मान और उसकी आज़ादी को मेंटेन करने में उसे आगे बढ़ाने में मदद करती है एवरी इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलोबींग हर व्यक्ति अपने साथ वाले व्यक्ति से रिस्पेक्ट चाहता है इज्जत चाहता है और कॉन्फ्लिक्ट अराइज अमंग इंडिविजुअल्स बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट लेकिन लड़ाई कब शुरू होती है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सेम ट्रीटमेंट नहीं देता या रिस्पेक्ट के साथ पेश नहीं आता तो यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है कि हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए तो गिव एंड टेक की प्रोसेस है आपको अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको देनी भी होगी और अगर नहीं मिलेगी तो फिर कहीं आप ये भी सुनते होंगे कि सिर्फ इसी वजह से कई बार झगड़े भी हो जाते हैं द पैशन फॉर द रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी और आज़ादी की चाह और इज्जत की चाह एक लोकतंत्र व्यवस्था का आधार होती है यानी यह होप की जाती है कि डेमोक्रेसी के अंदर ये दोनों चीज़ें उन वहाँ रहने वाले सिटीजन्स को मिलेंगी डेमोक्रेसीज थ्रूआउट वर्ल्ड हैव रिकग्नाइज दिस एटलीस्ट इन प्रिंसिपल और पूरे संसार में जहाँ जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम वाले कंट्रीज हैं वहाँ पर कम से कम इस प्रिंसिपल को एडोप्ट किया गया है कि उसके सिटीजन्स को फ्रीडम और डिग्निटी मेंटेन रहे और प्लस वो उसको आगे बढ़ाने में भी अपना रोल प्ले करते हैं दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसीज और ये कुछ हद तक अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाले देशों के अंदर अलग अलग डिग्रीज में इस प्रिंसिपल को अचीव भी किया जा चुका है मीन्स लोगों को ये फ्रीडम और रिस्पेक्ट काफ़ी हद तक मिल चुकी है और उसका स्केल अलग अलग मिलेगा आपको डिग्री अलग अलग डिग्री में वो उनको मिलती दिखाई देगी यानी कहीं कम कहीं ज़्यादा ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाले देशों के अंदर लोगों को सम्मान और आज़ादी काफ़ी हद तक मिल चुकी है फॉर सोसाइटीज विच हैव बीन बिल्ट फॉर लोंग ऑन द बेसिस ऑफ सबोर्डिनेट एंड द नोमिनेशन तो वो समाज जो सदियों से दो कैटेगरी में बटा हुआ है एक वर्ग ऐसा है जो डोमिनेट करता है डोमिनेशन का मीनिंग यहाँ पे ये आ गया और एक वर्ग ऐसा है जो कि सुबोर्डिनेशन में काम कर रहा है मीन से नीचे काम कर रहा है किसी के अंडर में काम करना जिसको कहते हैं या प्रेशराइज रहना इट इज़ नॉट ए सिंपल मैटर टू रिकग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल तो ऐसे समाज में सबको एक समान रूप से पहचान मिलना थोड़ा आसान काम नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे को एक समान रूप से नहीं देख पा रहा है और ये पुराने सदियों से चले आ रहे समाज की परंपरा भी रही है कि इसमें काफ़ी कैटेगरीज डिवाइडेड होती हैं और इसी वजह से लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव भी करते हैं तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं एक एग्जाम्पल के साथ टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ विमेन औरतों की रिस्पेक्ट का एक केस हम स्टडी करते हैं मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड आप जानते भी हैं आपने सुना भी होगा कि संसार के ज़्यादातर जो समाज हैं वो मेल डोमिनेटेड समाज रहे हैं ऐतिहासिक समय से ही वहाँ पर मेल मेंबर्स की चलती है यानी पेट्रीचल सोसाइटी के यहाँ पर फीचर्स दिखाई देते हैं मींस सारे जो मेजर डिसीजंस होते हैं फैमिली के वो मेल मेंबर लेते हैं और फीमेल्स को उन्हें फॉलो करना होता था तो हालांकि सिस्टम अब कुछ हद तक चेंज हो चुका है लेकिन वो किस वजह से हुआ कैसे हुआ वो अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वीमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टू डे दैट रिस्पेक्ट टू एंड आज जो औरतों के अधिकारों के प्रति लोगों में जो जागरूकता आ चुकी है या फिर वो जो ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं उस वजह से ये औरतों ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था और उसमें काफ़ी सारे पुरुषों ने भी उनका सहयोग किया था तो इक्वल ट्रीटमेंट की बात है रिस्पेक्ट की बात है ये दोनों चीज़ें आज कुछ खास मायने रखती हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इंग्रेडिएंट्स बन चुकी हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मींस, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का पार्ट बन चुकी हैं कि आज वीमेन को भी इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है और इक्वल रिस्पेक्ट उन्हें दी जाती है क्योंकि पहले ये व्यवस्था नहीं थी हमारा समाज हो या फिर विश्व के दूसरे देशों के जो सोसाइटीज भी इस टाइप से ही सोसाइटी की जहाँ औरतों की सुनने वाला कोई नहीं था लेकिन धीरे धीरे समय बदला औरतों को अपने अधिकारों के बारे में पता चला और साथ ही साथ अपने राइट्स के लिए उन्होंने आवाज भी उठाई दैट डज नॉट मीन दैट वीमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट आज जो आप समाज देख पा रहे हैं और जहाँ औरतों के आप रिस्पेक्ट देख पा रहे हैं या उनके अधिकारों की जहाँ तक बात है आपको लगता होगा कि ये तो हमेशा से ऐसे ही रहा है समाज नहीं आज जो औरत का रूप दिखाई दे रहा है या औरत के अधिकार जो उनको दिए जा रहे हैं पहले ऐसा समाज नहीं होता था बट वंशी वंश द प्रिंसिपल इज रिकोगग्नाइज लेकिन जैसे ही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था ने इस चीज़ को पहचाना इट बिकम्स ईजियर फॉर वीमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट वाट इज नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली एंड मॉरली जो उस समय लीगली और मॉरली अनएक्सेप्टेबल था मीन्स समाज उसको स्वीकार नहीं करता था कि औरतों को सेम राइट दिए जाने चाहिए या फ्रीडम मिलनी चाहिए या सेम ट्रीटमेंट उन्हें मिलना चाहिए उसके खिलाफ औरतों ने एक मास स्ट्रगल शुरू किया एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया जिसकी वजह से आज ये आसान सी एक कॉमन सी बात दिखाई देती है कि लेडीज़ के पास भी वही सेम राइट हैं वही सेम ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाता है जैसा कि मेल मेंबर्स के साथ किया जा रहा है इन डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी वुड नोट है लीगल बेसिस हालांकि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पर ना तो लीगली फोर्स किया गया है किसी को कि वो वीमेन को सेम ट्रीटमेंट दे वहां पर ये स्वीकार नहीं किया जाता लीगल, लीगल बेसिस पर कि औरतों को सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव द लीगल एंड मोरल फोर्स फोर्स दे आर क्योंकि वहाँ पर नैतिकता के आधार पर भी समाज इस बात को स्वीकार नहीं करता और इसके साथ साथ कानूनी रूप से भी उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि वो अपने यहाँ रहने वाली जो वीमेन सिटीजन्स हैं उन्हें फ्रीडम और डिग्निटी दें तो इसलिए जो पुराने समय से उनका जैसा समाज रहा है वैसा ही वो चलता आ रहा है और वीमेन को सबोर्डिनेट बनाकर रखा जा रहा है द सेम इज ट्रू ऑफ कास्ट इन इक्वालिटी और ये यही बात हमारे यहाँ पर पाई जाने वाली जाति जातिगत जो असमानताएँ हैं उनके ऊपर भी लागू होती है डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ द डिसडवाटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड एकवल अपॉर्चुनिटी भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हुई है वो इसी वजह से हुई है क्योंकि यहाँ पर पिछड़े वर्ग और भेदभाव जिनके साथ हो चुका है या हो रहा है ऐसी जातियों को इक्वल स्टेटस दिया जा रहा है यानी समान स्तर पर रखा जा रहा है उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी प्रोग्रेस की या डेवलपमेंट की दी जा रही हैं तो जिसकी वजह से आज भारतीय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है पहले से मजबूत हो पाई है देर आर इंस्टांसिज स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनक्वैलिटी हालांकि अभी भी हम हमारे समाज के अंदर कास्ट बेस्ड इनक्वैलिटीज़ के बारे में न्यूज़ सुनते रहते हैं कि जातिगत संकीर्णताओं वाले लोग सभी लोगों को एक समान रूप से नहीं देखते और वो जो जिन लोगों को वो डिसएडवांटेज ग्रुप का मानते हैं उनके साथ वो सेम ट्रीटमेंट नहीं करते इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करते बल्कि उनके साथ पार्शियलिटी की जाती है और वो एट्रोसिटीज़ के शिकार होते हैं मीन्स अत्याचार उन पर ढाए जाते हैं उनके साथ उन्हें प्रताड़ित किया जाता है परेशान किया जाता है बट दी लैक द मोरल एंड लीगल फाउंडेशन परंतु इसकी वजह यही है कि इसकी वजह से जो हमारे भारतीय लोकतंत्र की जो नैतिकता है और उसकी जो कानूनी नींव है उसमें कमी आ जाती है यानी हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं पर इट इज़ द रिकनिशन दैट मेक्स ऑर्डीनेरी सिटीजंस वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स और शायद यही कारण है इसको पहचान देने की कि सभी लोगों को सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सभी को सेम रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए और फ्रीडम दी जानी चाहिए ताकि आम आदमी भी अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में जान सके उसको वैल्यू दे सके तो ज़रूरत आज किस बात की है सभी लोगों को अपने राइट्स को पहचानने की और उसे यूज करने की expectations from democracy also function as the criteria for judging any democratic country लोकतंत्र से जो उम्मीदें लोग लगाते हैं ये एक टाइप से क्या है एक उस प्रकार के काम हैं जिससे कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री की जो फंक्शनिंग है उसको जज कर सकते हैं उसको चेक कर सकते हैं यानी जब हम उम्मीदें लगाते हैं तो हम उसको चेक करते हैं कि वो हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा और यही इसकी एक टाइप से एग्जाम होता है वट इज मोस्ट डिस्टिंगटिव अबाउट डेमोक्रेसी इज़ दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर और ख़ास बात डिस्टिंगटिव का मीनिंग क्या है यहाँ पर स्पेशल तो यहाँ पर खास बात क्या है कि डेमोक्रेसी जो है ये इसके एग्जाम कभी ख़त्म ही नहीं होते एज डेमोक्रेसी पास इज वन टेस्ट इट प्रोड्यूस अनदर टेस्ट जैसे ही डेमोक्रेसी एक टेस्ट पास करती है एक परीक्षा देती है एक चुनौती का सामना करती है एक परेशानी को दूर करती है तो दूसरी उसके सामने आ खड़ी होती है एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर एंड मोर ऑफ uh, डेमोक्रेसी तो आप देखते हैं कि जैसे ही एक इच्छा लोगों की पूरी होती है तो लोग दूसरी डिमांड करने लगते हैं और वो डेमोक्रेसी इससे बेटर होती चली जाती है दैट इज वाई व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फ और यही कारण है कि जब हम लोगों से डेमोक्रेटिक फंक्शंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं या पूछते हैं दे विल ऑलवेज कम अप विद मोअर एक्सपेक्टेशन तो हमें क्या दिखाई देता है वो डिमांड करते हुए दिखाई देते हैं बार बार कि ये हमें सरकार से उम्मीद है कि सरकार को ये करना चाहिए सरकार को वो करना चाहिए और इस टाइप से हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के साथ जो एक्सपेक्टेशन है वो लोगों की बढ़ती चली जाती हैं और उनकी कंप्लेंट्स भी बढ़ती चली जाती कंप्लेंट्स मीन्स वो शिकायतें भी बहुत करते हैं और ये शिकायतें क्या हैं एक टाइप से एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि फुलफ़िल नहीं हो पाई द फैक्ट दैट पीपल आर कम्प्लेनिंग इज इट सेल्फ और टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी और ये भी सच्चाई है बेटा कि जितना हम लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं इसकी कंप्लेन करते हैं यानी शिकायतें करते हैं लोकतंत्र के अंदर ये इसके सफलता का एक प्रमाण है टेस्टिमोनी मीन्स यहाँ पर प्रूफ है और ये ये दिखा रही हैं कि एक कंप्लेंट को जब डेमोक्रेसी दूर करती है तो दूसरी आ जाती है दूसरी को दूर करते हैं तो फिर तीसरी आ जाती है इट मीन्स वो एक्सपीरियंस गेन करती जा रही है डेमोक्रेसी और आफ्टर एक्सपीरियंस हर व्यक्ति का और हर देश का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और उसकी जो इसकी स्ट्रगल की जो उसकी एक झील होती है वो बढ़ती चली जाती है इट शोज़ दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस और जब लोग कंप्लेन करते हैं और एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं यानी जा, जागरूक हैं और उनके अंदर वेरियस एक्सपेक्टेशंस रखने की एबिलिटी है मीन्स बहुत ज़्यादा उम्मीद अलग अलग प्रकार की उम्मीदें रखने की काबिलियत है एंड टू लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर्स और वो पूरी कड़ी नज़र रखते हैं पावर होल्डर्स के ऊपर यानी सरकार के ऊपर एंड द हाई एंड द माइटी और ऊंचे उच्च वर्ग पर और शक्तिशाली लोगों के ऊपर उनकी नज़र रहती है इस टाइप के लोग ही उनकी शिकायतें करते हैं और उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाते रहते हैं तो ये चीज़ साबित होती है कि वो बहुत ज़्यादा अवेयर है और उनके अंदर ये जो है एक टाइप से स्किल है कि वो एबिलिटी है कि वो अलग अलग तरीके से डिमांड भी कर सकते हैं एक्सपेक्टेशंस भी रख सकते हैं कंप्लेन भी कर सकते हैं अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फेक्शन विद डेमोक्रेसी शोज सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट अगर लोग की सरकार लोकतंत्र से खुश नहीं है डिससेटिस्फेक्शन का मीनिंग है असंतुष्टता यानी वो अपनी असंतुष्टता जाहिर करते हैं लोग कि हम सरकार से खुश नहीं है क्योंकि उसने ये काम नहीं किया हमारा तो फिर इससे क्या होता है डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट जो बीच में रह गए होते हैं या किसी वजह से स्लो प्रोसेस में चल रहे होते हैं तो फिर गवर्नमेंट उसके लिए अलर्ट हो जाती है और अपने प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम करने लगती है और उसको वो करके दिखाती है ताकि और इससे क्या हो जाता है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट है वो टाइमली पूरे हो जाते हैं और उनकी सक्सेस इंश्योर हो जाती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि पब्लिक उन पर निगाह बनाए हुए है उन पर नज़र रखे हुए है इट ट्रांसफॉर्म्स पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट इन टू दैट ऑफ ए सिटीजन और इसकी वजह से जो लोगों का जो स्टेटस है यानी उनका जो लेवल है वो एक सब्जेक्ट लेवल से हटकर सिटीजन लेवल का हो जाता है मीन्स अब हम प्रजा नहीं है किसी राजा के अंडर में अब हम सब्जेक्ट से क्या बन गए हैं सिटीजन्स बन गए एक फ्री कंट्री के सिटीजन के रूप में हो गए इसीलिए हम ये क्वेश्चन मार्क लगा पाते हैं या हम यहाँ पर क्वेश्चनिंग करते हैं या फिर हम उसकी कंप्लेन करते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही है कि अब हम सब्जेक्ट नहीं है किसी के नीचे दबी हुई प्रजा नहीं है बल्कि हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं जो कंप्लेन भी करना जानते हैं और जो अपने राइट्स के लिए अवेयर भी हैं मोस्ट इंडिविजुअल्स टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे दैट गवर्नमेंट इज रन एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट और ज्यादातर लोगों का ये मानना है ये विश्वास है कि उनके एक-एक वोट से सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें काफी अंतर आता है मीन्स उनके एक वोट की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उन्हें लगता है कि हम सरकार बना रहे हैं ये उनका सेल्फ इंटरेस्ट है बेटा जिसकी बेस पर वो इस चीज इस तरीके से सोचते हैं और ये उनकी अवेयरनेस को भी दिखाता है कि वो अपने पॉलिटिकल राइट्स को बेकार नहीं जाने दे रही या इस टाइप से इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करवा रहे बल्कि वो अपने राइट्स को यूज करना जानते हैं वो अच्छी सरकार के निर्माण में अपना सहयोग देते हैं और बहुत ज़्यादा अवेयर सिटीजन के रूप में अपनी ड्यूटी को वो परफॉर्म करते हैं तो ये चैप्टर रहा बेटा आपका हो गया है आज और इसको आप रीड कीजिएगा इसके क्वेश्चन आंसर्स को मैं आपको बता देती हूँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और उसके अलावा जो बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो कि एमसीक्यू टाइप में हैं उनको आप अपनी बुक में ही सॉल्व कीजिएगा या टिक मार्क कीजिएगा थैंक यू वेरी मच